आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रसाद में उपयोग होने वाली घी की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश के संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट की, जांच किसने कराई और किस लाभ ने की, रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लाभ भेजे और 16 जुलाई को लाभ रिपोर्ट आई। इसमें एक फर्म के घी में मिलावट पाई गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब कार्फ ने बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसादम के लड्डू बनाए जा रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। जून में जगत मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई। प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है, ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। नो नो, आई डोंट वांट टू ऐड एनीथिंग मोर। व्हाट एवर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सेड, दैट इज अ वेरी वेरी मैटर एंड मैटर ऑफ वेरी सीरियस कंसर्न दैट नीड्स टू बी इंक्वायर्ड इनटू। देखिए, जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है, और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया गया। साथ ही साथ ऐसी घटना न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं, वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको, और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है। ये आस्था के ऊपर आघात है, और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करें, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है और इसका जांच बहुत जरूरी है, और जिन लोगों ने ऐसी षड्यंत्र किया है